हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली रियल ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी तरीके से निकालना घी। मैं कैसे निकालती हूँ अपने घर पे मलाई जो इकट्ठी करके रखती हूँ स्टोर करके फ्रिज में, उससे बहुत ही फटाफट 2 से 3 मिनट में मैं मक्खन अलग कर लेती हूँ और घी मक्खन पका के घी भी तैयार कर लेती हूँ और बहुत ही फटाफट घी निकल जाता है। ठंड के मौसम में तो और इजी रहता है ये, बट गर्मी के मौसम में ये बहुत टफ होने वाला है सबके लिए। तो मैं सोची ये शेयर कर दूँ, क्या पता आपके लिए यूज़फुल हो। तो गर्मी के मौसम में क्या होता है ना, रूम टेम्परेचर पे आने पे घी जो है वो नहीं निकलता अच्छे से, और बहुत लोगों से नहीं ही निकलता, बहुत ही मुश्किल से निकलता है, या वो मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे हाथों की सहायता से आपको घी निकाल के दिखाऊंगी, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। मैं कोई मिक्सर ग्राइंडर यूज़ नहीं करती। मैं 15 दिन से मलाई इकट्ठा करके रखी थी स्टोर करके फ्रिज में, आज मुझे घी निकालना था। तो मैंने क्या किया, आधे घंटे पहले फ्रिज से निकाल लिया, मलाई इकट्ठी की हुई बाहर निकाल के रख दिया, और उसके बाद आधे घंटे बाद मैं इसको लगी फेंटने। अभी ये पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पे नहीं आया था, अभी लगभग ये बहुत ज़्यादा ठंडा ही था, ठंडा भगोना था और मलाई भी ठंडी थी। तो आप देख सकते हैं जो मलाई की कंसिस्टेंसी है बहुत ही मतलब हार्ड होते जा रही है, और बहुत ही आसानी से ये मक्खन अलग हो जाता है इस मलाई से, और मठा अलग हो जाता है। और बहुत ही हार्ड होने की वजह से मैंने इसको पैरों से पकड़ के भी हाथों को चला के इसे मथा, बिकॉज एक हाथ से चल ही नहीं रहा था, क्योंकि जितना हार्ड होते जाता है ना उतना ही मक्खन जल्दी अलग होता है। और बीच में 2 मिनट आपको बस मेहनत करनी है इस हार्ड वाले स्टेज पे, जितना हार्ड होगा आप चलाते जाएंगे मठा अलग हो जाएगा और मक्खन अलग हो जाएगा। स्टार्टिंग में नहीं लगता लेकिन धीरे धीरे हार्ड होते जाता है, क्योंकि मक्खन को अलग होना होता है। तो इस तरीके से आप निकालेंगे मलाई मथेंगे तो आपका मक्खन डेफिनेटली अलग हो जाना है और मठा अलग हो जाना है। सिर्फ फ्रिज में आप रखे रहिए, उसको रूम टेम्परेचर में नहीं लाना है, सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही आपको फेंटना स्टार्ट करना है, 20 से 30 मिनट के बीच में ही, ठीक है। और ये देखिए मठा अलग हो चुका है, मक्खन भी अलग हो चुका है। अब मैं इसको क्या करती हूँ, वॉश कर लेती हूँ 2 पानी से, मतलब 2 बार, एक बार 4-5 गिलास पानी डालूंगी, 3-4 गिलास जितना मुझे इस भगोने में आटे जाएगा उसको दबा दबा के मक्खन को वॉश कर लूँगी। देन दूसरी बार भी ऐसे ही करूँगी। यहाँ पे मैंने एक बार शेयर किया आपसे, बिकॉज वीडियो लंबा हो रहा था तो मैंने कहा यही शेयर कर देती हूँ एक बार का। तो ऐसे क्या करती हूँ, पानी 2-3 गिलास डालती हूँ और मलाई को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें जो भी गंदगी होती है मठा की, वो अगर घी के साथ पकेगा ना तो बहुत टाइम लगता है घी को पकने में, एंड जो नीचे घी के नीचे जमा होता है मटेरियल, जो गंदगी होती है बहुत ज़्यादा निकलती है, घी अच्छे से पकता भी नहीं, बहुत टाइम टेकिंग होता है, जलता भी है। तो इस तरीके से वॉश करने से क्या होता है, घी बहुत आसानी से पक जाता है, जल्दी पक जाता है और बहुत ही साफ घी निकल के आता है। तो यहाँ पे पानी से मैंने घुमा के वॉश कर लिया था। अब क्या करूँगी, जो मक्खन है उसको दबा दबा के ये मठे वाला पानी को अलग कर लूँगी और मक्खन अलग कर लूँगी दूसरे कढ़ाई में। इसी तरह मैंने 2 बार किया प्रोसेस, एक बार मक्खन अलग कर लिया, ऐसे दबा दबा के पानी निकाल के, फिर दोबारा पानी से वॉश करके भी मक्खन को वॉश किया, जिससे अच्छी तरीके से हमारा मक्खन वॉश हो गया था और उसका जो भी डर्ट है मठे में मिल गया। और छाछ का भी यूज़ कर सकते हैं हम कढ़ी बनाने में, या छाछ पी सकते हैं, बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं छाछ का। तो यहाँ पे सारे मक्खन को ऐसे ही करके मैं अलग कर लेती हूँ और बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है ये मक्खन ना, हाथों में से दबा दबा के निकाले। और ये देखिए मक्खन जो है ना हाथों में नहीं चिपक रहा, बिकॉज आप ये समझ लीजिए कि मेरी मलाई अभी भी कितनी ठंडी है, सिर्फ आधे घंटे से पहले ही मैंने मथना स्टार्ट कर दिया। अगर ये थोड़ा भी रूम टेम्परेचर पर आएगा ना तो मक्खन आपके हाथों से बहुत ज़्यादा स्लिप होगा, फिसलने लगेगा। तो यहाँ पर मठा अलग हो गया है और मक्खन अलग हो गया है, और छाछ का यूज़ मैं पीने में या किसी चीज़ में यूज़ कर लूँगी, या फिर किसी को दे देती हूँ। तो ऐसे करती हूँ, यहाँ पे मक्खन को रख दिया है पिघलने के लिए, पकने के लिए धीमी आंच पे इसको पकने देंगे 20 से 25 मिनट में। धीमी आंच पे ये घी जो है अच्छे से पक जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी स्टार्टिंग है और बिल्कुल भी झाग नहीं बन रहा है, घी ऊपर नहीं आ रहा है। और जो आप गंदगी के साथ अगर ये पकाते, जो मठे की गंदगी आप उसके साथ पकाते ना, बहुत उबल उबल के ऊपर आता है और बहुत टाइम टेकिंग होता है पकने में घी।
और इस तरीके से वॉश करने पे ना घी में बहुत कम ये गंदगी निकलती है और जो भी वेस्ट मटेरियल है निकलता है बहुत कम और घी बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं घी का कलर कितना प्यारा आया है। ऐसे ही और थोड़ी देर पका लेंगे और ठंडा होने के बाद मैं आपसे शेयर की हूँ। देखिए गंदगी जो भी वेस्ट मटेरियल नीचे घी बहुत ही साफ़ निकला है। तो थैंक यू, होप आपको